गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। तो बच्चों, आज हम कुछ नया पाठ सीखने वाले हैं, ठीक है? तो आप सभी के पास यह बुक है। हाँ, तो आज हमारा पाठ है बारहवा। कौन सा पाठ है हमारा? बारहवा। और इस पाठ का नाम है अंक। कौन सा? अंक। अंक इसका मतलब है हम कौन सी मात्रा देखने वाले हैं आज? हम देखने वाले हैं आज अनुस्वर। पेज नंबर है 67। तो यह पेज पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाई देंगे। हाँ, तो पहला चित्र है हमारा अंगूर का, इसके बाद है अंडा, इसके बाद है बंदर और इसके बाद है पंखा। तो इन सभी शब्दों में आपको क्या दिखाई देगा? अनुस्वार दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? अनुस्वार। ठीक है बच्चों, तो यह जो अनुस्वार है वो आपको अच्छे से गुड हैंडराइटिंग में आपके कॉपी में लिखने हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, तो इसके बाद हमारी बारी आती है बोल बोल कर पढ़ो। क्या है ये? बोल बोल कर पढ़ो। और ये जो बोल बोल कर पढ़ो, यह जो हमें दिया है, इसमें एक से लेकर 20 शब्द। महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनुस्वार का जो उच्चारण होता है, जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो वो उच्चारण नाक से होता है। कहाँ से होता है? नाक से। आप सभी को नाक है? देखो देखो। हाँ, हम सभी को नाक होता है और अनुस्वार का जो उच्चारण है वो नाक से होता है। ठीक है बच्चों? हाँ, इसके बाद हम आज एक कहानी देखने वाले हैं जो कि एक किसकी है? हाँ, वो है नटखट बंदर की। वो बंदर आपकी तरह नटखट था। आप लोग भी बहुत नटखट हो। हाँ, हो ना? हाँ, तो आज हम ये कहानी देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं कहानी आपको पढ़कर सुनाती हूँ। अभी आप सभी की उंगलियाँ कहाँ होनी चाहिए? हमारे टेक्स्ट बुक पे होनी चाहिए। हाँ, वेरी गुड। कौन सी कहानी है? हमारे कहानी का नाम क्या है? नटखट बंदर। ठीक है, तो नटखट यानी कि क्या? तो नटखट यानी कि बहुत शरारती। हाँ, ठीक है, तो चलो देखो। नटखट बंदर, तो ये कहानी देखते समय हमें एक यहाँ पे चित्र दिखाई देता है। ठीक है, तो ये किसका चित्र है? यहाँ पे भगवान की मूर्ति है, एक छोटा सा बच्चा हाथ जोड़कर यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे पंडित जी खड़े हैं। हाँ, यहाँ पे एक घंटा है और यहाँ पे एक बंदर के हाथ में क्या है? लोटा है और वो एक खंभे पे चढ़ा हुआ है। इस प्रकार हमें यह मंदिर का चित्र दिखाई देता है। ये मंदिर किसका है? हाँ, यह मंदिर शंकर जी यानी कि भगवान शंकर जी का है। ठीक है, तो अभी हम ये कहानी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, शंकर जी का एक मंदिर था। मंदिर में एक बंदर रहता था, वह बड़ा नटखट था। मंदिर आने वालों को खूब तंग करता था। कभी किसी के जूते उठाकर भाग जाता, कभी किसी की पूजा की थाली उलट देता, कभी मंदिर का घंटा जोर जोर से बजा देता। एक दिन पंकज शंकर जी पर गंगा जल चढ़ाने आया। गंगा जल छोटी सी लुटिया में था। पंकज नीचे बैठकर शंकर जी की पूजा करने लगा। तभी बंदर चुपचाप आया और लुटिया लेकर मंदिर के खंभे पर चढ़ गया। लुटिया में फूल भी थे। बंदर ने फूल निकालने के लिए हाथ डाला। लुटिया छोटी थी, उसका हाथ लुटिया में फंस गया।
बंदर ने खूब कोशिश की पर हाथ नहीं निकल पाया। बंदर रोने लगा। मंदिर के पंडित जी को उस पर दया आ गई। पंडित जी ने बंदर को बुलाया और उसका हाथ नितिया से निकाल दिया। पंकज को उसकी रुपया मिल गई। उसने बंदर को संतरा दिया। बंदर खुश हो गया। उस दिन के बाद उसने कोई शरारत नहीं की। यहाँ पर हमारी यह कहानी क्या होती है, समाप्त होती है। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी है ना? हाँ, तो अभी हमने ये कहानी सिर्फ पढ़ी है तो इसको मैं अभी आपको समझाती हूँ कि ये कहानी में असल में क्या हुआ है। तो भगवान शंकर जी का एक मंदिर है और उस मंदिर में एक पंडित जी है, ठीक है, और उसी मंदिर में एक बंदर भी रहता है। पर वो बंदर कैसा है, बड़ा शरारती है, नटखट है। एक दिन क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है पंकज, आपकी तरह उम्र का, वो पंकज क्या करता है, एक लुटिया में यानी कि एक छोटे से, यहाँ पे देखो इस बंदर के हाथ में ये लुटिया है। हाँ, एक प्रकार का बर्तन, ठीक है। तो इस लुटिया में क्या लाता है, गंगा जल लाता है और वह गंगा जल उसको क्या करना है, भगवान शंकर जी पर अर्पण करना है, ठीक है। इसीलिए वो लाता है और उसी लुटिया में गंगा जल के साथ कुछ फूल भी है, ठीक है। तो जब वो पंकज वो लुटिया लेकर वहाँ पे आता है तो ये बंदर तो बहुत बड़ा शरारती है। कभी वो मंदिर की बेल बजाता रहता है, किसी की पूजा की थाली उड़ेल देता है, किसी के चप्पल चुरा कर भाग जाता है, इस प्रकार किसी के जूते उठाकर भाग जाता है। इस तरह से वो कई प्रकार से लोगों को यानी कि मंदिर में आने वाले भक्तों को बहुत परेशान करता था। एक दिन ये पंकज आ गया, उसके हाथ में लुटिया थी, उसमें गंगा जल और उसमें फूल भी थे, ठीक है। तो वह हाथ जोड़कर भगवान जी के सामने बैठ गया, तो लुटिया उसके पास थी। तो भी ये बंदर धीरे धीरे उसके पास आ गया, चुपचाप आ गया और उसने क्या किया, वो लुटिया उठा ली और वो दौड़कर खंभे पर चढ़ गया, ठीक है। खंभे पर चढ़ने के बाद लुटिया देखने के बाद उसमें उसको क्या दिखाई दिए, बंदर को क्या दिखाई दिए, फूल। हाँ, तो उसने वो फूल निकालने के लिए लुटिया में हाथ डाला। तो जब लुटिया में हाथ डाला तो लुटिया का मुंह कैसा है, बहुत ही छोटा है। हाँ, तो उसने हाथ डालने से क्या हुआ, उस बंदर का हाथ लुटिया में फंस गया। हाँ, तो वो क्या करने लगा, उसने बहुत कोशिश की लुटिया से हाथ बाहर निकालने की, लेकिन उसका हाथ बाहर नहीं आया। तो वो बंदर रोने लगा, करके रोने लगा। तो पंडित जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने क्या किया, उस बंदर का हाथ लुटिया से बाहर निकाला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसको लुटिया से हाथ बाहर निकालने के बाद पंकज को उसकी लुटिया मिल गई वापस से। हाँ, और पंकज ने उस बंदर को क्या किया, संतरा दिया। क्या दिया, संतरा। तो उस संतरे को पंकज ने बंदर को दिया और पंकज ने ये इस उस दिन से उस शरारती बंदर को, उस नटखट बंदर को अच्छी सबक मिल गई और वो अभी कोई शरारत नहीं करता, वो अच्छे से ही बर्ताव करता है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है, आपको समझ में आई? हाँ, तो यह कहानी आपको कितनी बार पढ़नी है, दो बार। कितनी बार पढ़नी है, दो बार, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अभी इस कहानी पर कुछ
प्रश्न यानी सवाल और जवाब है। हाँ, तो अभी हम ये सवालों के जवाब देखेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों इधर देखो, हमारा अभ्यास है पेज नंबर 69 पर। हाँ तो इसमें से पहला सवाल है, बताओ और लिखो। उसमें से पहला सवाल है, नटखट कौन था? बंदर नटखट था। इस कहानी में नटखट कौन है? हाँ, इस कहानी में बंदर नटखट है। वेरी गुड। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, बंदर कहाँ रहता था? शंकर जी के मंदिर में बंदर रहता था। बंदर कहाँ रहता था? बंदर शंकर जी के मंदिर में रहता था। हाँ, उसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, बंदर कहाँ चढ़ गया? बंदर मंदिर के खंभे पर चढ़ गया। उसके बाद हमारा चौथा सवाल है, लुटिया से बंदर का हाथ किसने निकाला? पंडित जी ने लुटिया से बंदर का हाथ निकाला। और हमारा पांचवा सवाल है, पंकज ने बंदर को खाने के लिए क्या दिया? पंकज ने बंदर को खाने के लिए संतरा दिया। इस प्रकार यहाँ पे आपको ये पांच सवालों के जवाब अच्छे हस्ताक्षर में यहाँ पे लिखने हैं। हाँ, और इसके साथ हमारे नोटबुक में भी लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद हमारा है दूसरा सवाल, जो बहुत ही आसान है और ये आपका क्या है, होमवर्क है। चित्रों के नाम लिखो। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं। कितने सारे चित्र हैं यहाँ पे? चार चित्र हैं, ठीक है। गिनो मेरे साथ, 1, 2, 3, 4। ये चार चित्र यहाँ पे है, तो ये चार चित्रों के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद रंग भरो, बोलो और लिखो, यानी कि इस अक्षर में, इन शब्दों में आपको रंग भरना है। और यही शब्द फिर से आपको यहाँ खाली स्थान पर लिखने हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, बहुत ही आसान है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो पांडवा है, अनुस्वार, ये क्या होता है? समाप्त होता है। तो आपको अच्छे हैंडराइटिंग में अच्छे से ये सब पढ़ाई करनी है। और जो बच्चे अच्छे हस्ताक्षर में ये सब पढ़ाई पूरी करेंगे, उनको मैं देने वाली हूँ बड़ा सा। सभी को चाहिए। हाँ तो क्या है, यह हमारी है वर्कशीट। हाँ तो इस वर्कशीट पे आपको ये वर्कशीट अच्छे से छुड़ानी है। यह हमारी अनुस्वार की वर्कशीट है। हाँ तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनके नाम आपको अच्छे हस्ताक्षर में लिखने हैं, ठीक है। और यदि आप पेज टर्न करोगे तो आपको यहाँ पे आपको दूसरा सवाल दिखाई देगा। हमारा दूसरा सवाल क्या है, पढ़ो मेरे साथ, नीचे दिए कहानी में अंक की मात्रा यानी कि अनुस्वार वाले शब्दों पर बोला बनाइए। तो यहाँ पे मैंने एक हमारी जो नटखट बंदर की कहानी है वो दी हुई है, ठीक है। हमें पूरी कहानी नहीं है, हमें छोटी सी कहानी यहाँ पे कुछ हिस्सा लिया है कहानी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगभग 5-6 पंक्तियाँ हैं। तो इन पंक्तियों में जहाँ जहाँ पर अनुस्वार दिखाई देगा,
वहां आपको क्या करना है, गोला बनाना है। क्या बनाना है, गोला। ठीक है बच्चों, हाँ तो ये वर्कशीट आप अच्छे से छुड़ाओ। ठीक है, तो अब आज हमने अनुस्वार, हमारा जो पाठ क्रमांक 12 है उसमें हमने अनुस्वार इस मात्रा की पहचान की है। तो बच्चों घर में रहो, सुरक्षित रहो और अच्छे से पढ़ो।